नमस्कार कैथल में बॉलीवुड स्टार धर्मेंद्र कुमार के दीवाने के बाद अब बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार का दीवाना भी सामने आया है। सर मैं आज अपनी 4 तारीख को यात्रा शुरू कर रहा हूँ। आज वैसे मेरा जन्मदिन भी है 4 तारीख को, और मैं सीधा मुंबई के लिए रवाना हुआ हूँ। सर मैं मेरा मकसद है सर, मैं यहाँ से चलकर 4 तारीख को 9 तारीख को मैं मुंबई पहुँचूँगा अक्षय कुमार के बर्थडे पर। और ये जो मेरी बाइक देख रहे हैं आप, ये अक्षय कुमार को गिफ्ट करूँगा उनके बर्थडे पर। यह दीवाना ऐसा कि इसने अपने बेटे से लेकर बाइक तक का नाम अक्षय रखा है। जब मैंने अपनी बाइक खरीदी थी उसका नाम अक्षय रखा था, ये मेरा लड़का हुआ तब भी इसका नाम अक्षय रखा हुआ है, और अपनी एक टी स्टॉल है उसका नाम भी अक्षय रखा हुआ है। यही नहीं, इसकी चाय की दुकान भी अक्षय कुमार के नाम से है। अक्षय कुमार ने इसको जन्मदिन पर यानी 9 सितंबर को मुंबई के लिए बुलाया है। मुंबई से फ़ोन आया था सर पिछले मंथ, और कह रहे थे भाई अक्षय साहब आपको याद कर रहे हैं। तो मैंने कहा भाई अगर याद कर रहे हैं तो फिर तो मैं आऊँगा। तो उन्होंने खुद बोला भाई अब की बार जो बर्थडे आ रहा है अक्षय कुमार जी का, भाई स्पेशल आओ। तो बोले भाई गिफ्ट के तौर पर क्या ले आओगे? तो गिफ्ट के तौर पर ये सर मैंने जो अपने जी जान लगाकर अपने मेहनत पसीने से लेकर अपनी ये बाइक निकलवाई थी, वो भी EMI से, तो मैं अपनी ये कहते हैं दिल के करीब मानता हूँ अपनी बाइक को, तो ये बाइक गिफ्ट करूँगा। और पिछले साल में गौमुख से गंगा जल लेके आया था तो वो गिफ्ट करूँगा सर। आज सुबह यह दीवाना अपने बेटे अक्षय के साथ बाइक पर मुंबई के लिए रवाना भी हो गया। सर मैं अब की बार, पिछली बार तो मैं पैदल गया था, लेकिन अब की बार में अपने 2.5 साल के बच्चे को साथ लेके जा रहे हैं मुंबई सर में। अब वह 9 सितंबर को मुंबई पहुंचेगा और यह बाइक भी उन्हें यानी अक्षय कुमार को गिफ्ट करेगा। आपको सुनाते हैं इस चाय वाले की अक्षय कुमार को लेकर इतनी दीवानगी कैसे हुई। तो इससे पहले मिल चुका, मैं 2013 में सर पहले पैदल गया था सर मैं मुंबई मेरे गाँव से, और 42 दिन में पहुँचा था। तो अक्षय सर उस टाइम भी मेरे से मिले थे जी, और उन्होंने मेरे से एक चीज़ का वादा किया था, मैं आपको बताता हूँ आपके मीडिया के ज़रिए, और अक्षय सर को भी याद है। जब मैं पहुंचा था उनसे बातचीत हुई थी तो अक्षय सर ने एक बात बोली थी, भाई मैं आपको मुंबई बुलाऊंगा। तो उन बात को आज पूरे 10 साल हो गए हैं सर। तो 10 साल बाद की आज ये दूसरी बार ये यात्रा मैंने शुरू की है, अपने सोच विचार करके, एक अपना कठोर निर्णय लेके, और अपने भाईचारे के साथ खड़ा होकर जो कि मेरा सहयोग कर रहे हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, करते हैं ये मेरे हर एक काम में, चाहे वो छोटा हो चाहे मीडियम हो, हर एक काम में साथ खड़े रहते हैं। ये तो मेरे पिता समान है सर जी। तो घर वाले भी कुछ सपोर्ट करते हैं या आपको रोकते हैं क्या? नहीं सर, देखिए घर वालों को पता भाई हमारा बच्चा जो भी काम करेगा दिल से करेगा, उनको पता भी गलत काम तो हमारा बच्चा करेगा नहीं। मैं मुंबई जा रहा हूँ, देखो बच्चा साथ लेके जा रहा हूँ, माँ की ममता कुछ अलग ही होती है, ठीक है सर जी, मेरी माँ भी है, इस बच्चे की माँ भी है, लेकिन फिर भी उन्होंने कठोर दिल करके मेरे को साहस दिया, भाई कोई नहीं बेटे हम आपका, मैं आपको आशीर्वाद देते हैं भाई आप ठीक ठाक पहुँचो, ठीक ठाक आओ जी। ये मेरी माता जी खड़ी हैं जी, ये सर मेरी वाइफ जी खड़ी हैं, ये मेरे आंटी ताई चाची सब मोहल्ले के हैं सर जी। जय श्री श्याम। जैसे ही ये मेरे पास पहली बार आया और इसने अपनी ये पूरी कहानी मुझे सुनाई तो मुझे हैरानगी भी हुई और खुशी भी हुई। भाई एक व्यक्ति इतना जुनून रखता है जो पैदल कैथल हरियाणा से चलकर, और वह भी 42 दिन की यात्रा करके बम्बे पहुंचता है, और उसके अपने प्रशंसक के पास, जिसका वो प्रशंसक है, ये बहुत बड़ी बात है। इसको सुनकर मैंने ऐसा लगा कि इसको कहीं मेरी मदद की ज़रूरत है, और किसी भी समय ज़रूरत है, चाहे वो छोटी है चाहे वो बड़ी है, मैं इसकी मदद हमेशा करता रहूँगा। उस बात को मद्देनज़र रखते हुए सर्वप्रथम तो मैं इसके जुनून को सलूट करता हूँ, और दूसरा मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि ये पूरी यात्रा इसकी सफल रहे।